देश के अलग अलग बैंकों के पास हजारों करोड़ों के अनक्लेम्ड पैसे पड़े हुए हैं। ऐसे में आप कैसे पता लगाएंगे कि कहीं इनमें से कुछ पैसे आपके तो नहीं है? नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस, मैं हूं श्वेता मातिस। इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इन पैसों की जांच कर सकते हैं। दरअसल पैसे का पता लगाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल शुरू करने का फैसला किया है और इस कॉमन पोर्टल के जरिए आप जल्द बैंकों में पड़े लावारिस पैसे के बारे में पता कर सकेंगे। ये वो पैसे हैं जो अलग अलग बैंकों के ऐसे अकाउंट्स में सालों से पड़े हुए हैं जिनमें किसी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। फरवरी 2023 तक पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बैंकों ने आरबीआई को करीब 35,000 करोड़ रुपए की ऐसी राशि ट्रांसफर की है जिनमें पिछले 10 साल से किसी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। अब आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि इन पैसों तक पहुंचने के लिए डिपॉजिटर्स और बेनिफिशियरीज का रास्ता आसान करने और उसमें सुधार के लिए वेब पोर्टल बनाने का फैसला किया गया है, जिसके जरिए अलग अलग बैंकों में जमा अनक्लेम्ड अमाउंट का पता लगाया जा सकेगा। अभी अगर आप ये पता लगाना चाहते हैं कि कहीं इन अनक्लेम्ड अमाउंट पे कहीं आपके पैसे तो नहीं है, तो ये जानने के लिए फिलहाल आपको हर बैंक की वेबसाइट पर अलग से जाकर जांच करनी होती है। लेकिन कॉमन पोर्टल के बनने के बाद अब एक ही बार में सभी बैंकों में ऐसी राशि की जांच करना आसान हो जाएगा। सबसे ज्यादा 8,086 करोड़ रुपए की बिना दावे वाली राशि भारतीय स्टेट बैंक में जमा है। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक में 5,340 करोड़ रुपए, कैनरा बैंक में 4,558 करोड़ रुपए और बैंक ऑफ बड़ौदा में 3,904 करोड़ रुपए की अनक्लेम्ड अमाउंट है। अगर बैंक की तरफ से अनक्लेम्ड अमाउंट वाली लिस्ट में आपका नाम शामिल है तो इस पैसे को वापस पाने के लिए आपको बैंक के होम ब्रांच से संपर्क करना होगा। फिर वहां जाकर आपको क्लेम फॉर्म भरना होगा और साथ ही जमा रसीदें भी देनी होंगी। अब इसके बाद आपको KYC डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। लेकिन अगर आप किसी के नॉमिनी हैं तो ऐसे में आपको अकाउंट होल्डर की डेथ सर्टिफिकेट की एक कॉपी भी बैंक को उपलब्ध करानी होगी। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ।